स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके राइटर हैं आर के नारायण। और आर के नारायण भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पंचोली एट मिड डे ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ 12 कौड़ी सेल्स, ए स्क्वायर ऑफ क्लोथ विथ ऑब्स्कर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पाल्मीरा राइटिंग। पंचोली मतलब अपने कार्य को समय पर करने वाला, तो पंचोली मतलब रोज की तरह मिड डे ठीक दोपहर में उसने अपना बैग खोला और अपने व्यावसायिक साजोसज्जा को, साजो सामान को फैलाया, और इसमें जो चीज़ें थीं, एक दर्जन कौड़ी थे, एक वर्गाकार कपड़ा था जिसपे अस्पष्ट रहस्यमय चार्ट बना हुआ था, ऑब्स्कर मिस्टिक मतलब अस्पष्ट और रहस्यमयी, ए नोटबुक एंड ए बंडल ऑफ पाल्मीरा राइटिंग, और एक नोटबुक भी थी और ज्योतिषी लेख का एक बंडल भी था। पाल्मीरा राइटिंग मीन्स ज्योतिषी लेख। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेट एस एंड वर्मिलियन एंड हिज आई स्पार्कल विथ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स बट विच हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड। और उसका जो माथा था वह चमक रहा था, इसलिए चमकता था क्योंकि माथे पे उसने पवित्र भस्म और रोली लगा रखा था। उसके माथे पे रोली और पवित्र भस्म लगी हुई थी जिससे उसका माथा चमकता था, और उसकी आंखें में एक रहस्यमय, एक असामान्य रूप से चमक थी, एबनॉर्मल ग्रीन में असामान्य चमक। और यह जो चमक थी वह वास्तव में इस कारण से थी क्योंकि वह लगातार अपने ग्राहकों की तलाश में रहता था, मतलब उसकी आंखें लगातार ग्राहकों की तलाश में रहती थी, इसलिए आंखों में एक असामान्य रूप से चमक हुआ करती थी। लेकिन जो उसके साधारण सरल ग्राहक थे वे समझते थे कि यह एक दिव्य प्रकाश है, और उन ऐसा समझ के उनको काफ़ी राहत महसूस होती थी। द पावर ऑफ हिज आई वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाई देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर विच स्ट्रीम डाउन द चिक। उसकी जो आंखों की शक्ति थी, जो आंखों में दिव्य चमक थी, वो इस कारण से बढ़ जाती थी क्योंकि उसके माथे पे जो रोली और भस्म वगैरह लगाया गया था, और साथ ही साथ उसकी जो घनी मूछें थीं उसके गाल के नीचे तक, इन कारणों से उसकी आंखों की चमक और बढ़ जाती थी। इवन ए हाफ विट्स आई वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। एक मूर्ख व्यक्ति की भी आंखें इसी तरह से चमकती हुई दिखेंगी अगर उसके साथ ये सब सेटिंग कर दी जाए तो, मतलब माथे पे भस्म और रोली लगा दिया जाए और साथ ही साथ बड़ी मूछें हों, घनी मूछें हों, तो एक मूर्ख व्यक्ति भी दिव्य व्यक्ति जैसा दिखेगा। द क्राउन द इफेक्ट ही ओन्ड ए सेफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। अपनी दिव्यता को और बढ़ाने के लिए वो अपने माथे पर, अपने सिर पर केसरिया रंग का एक पगड़ी भी बांध लिया था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। और यह रंगों की जो योजना थी कभी असफल नहीं हुई, मतलब ये वेशभूषा, भस्म और पगड़ी ये दूसरों पे असर डालती थी और हमेशा वो सफल लाता था। पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एस बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मॉस ऑफ डहलिया स्टॉक। लोग उसकी तरफ कुछ इस तरह से खींचे हुए चले आते थे जैसे कि मधुमक्खियाँ डहलिया के फूलों की तरफ खींची हुई चली आती। ही सेट अंडर द बाऊ ऑफ ए स्प्रेडिंग टिमरिन ट्री विच फ्लैंक ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। वह एक इमली के पेड़ के नीचे, उसकी एक बड़ी शाखा के नीचे बैठा करता था, और ये जो इमली का पेड़ था टाउन पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पर था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। और यह जो स्थान था काफ़ी रिमार्केबल था, मतलब काफ़ी जाना पहचाना स्थान था और कई कारणों से था। वो कारण आगे बता रहा है, ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड।
सर्जिंग क्राउड मतलब उमड़ती हुई भीड़, उमड़ती हुई भीड़ लगातार ही इस सकरे सड़क पर आती जाती रहती थी मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सुबह से शाम, सुबह से रात तक। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, और पूरे रास्ते पर बहुत प्रकार के व्यापार हुआ करते थे। ट्रेड्स मतलब व्यापार, ऑक्यूपेशन मतलब पैसा होता है, तो बहुत तरह के व्यापार इस रास्ते पे हुआ करते थे। व्यापारों के बारे में ही बता रहा है कि कौन कौन से व्यापार होते थे। मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मेडिसिन एंड एवव ऑल एंड ऑक्टीनियर ऑफ चीप क्लोथ हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अटैक द होल टाउन। इसमें दवा विक्रेता हुआ करते थे, और हार्डवेयर एंड जंक मतलब होता है काठ कबाड़, तो चोरी के काठ कबाड़ को बेचने वाले भी होते थे। जादूगर होते थे, और इन सबसे ऊपर एक होता था सस्ते कपड़ों को नीलाम करने वाला, जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता था लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उस पूरे बाजार में, पूरे टाउन में। नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरियसनेस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम एंड वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड एंड ऑन थर्ड राजास डेली केसी। और इसके बाद शोर मचाने वालों में वोसिफेरियसनेस का मतलब होता है शोर मचाने वाला, तो इसके बाद शोर मचाने वालों में जो दूसरा नंबर आता था वो एक भुनी हुई मूंगफली बेचने वाले का था, जो अपने सामान को प्रतिदिन एक नया काल्पनिक नाम देता था, फैंसी नेम मतलब काल्पनिक नाम। जैसे कभी वो कहता था कि बॉम्बे आइसक्रीम, तो अगले दिन कहता था दिल्ली आलमंड, तो नेक्स्ट डे कहता था राजास डेलिकेसी मतलब राजा का भोजन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम। और अगले दिन कुछ दूसरा नाम, फिर अगले दिन कुछ और नाम, और लोग उसकी तरफ जमा होते थे। फ्लॉक मतलब जमा होना। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और भीड़ का एक बड़ा हिस्सा उस ज्योतिषी के पास भी जमा हो जाता था। वैलिड मीन्स जमा होना। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाई द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकल एंड स्मोक्ड अप ऑफ द ग्राउंड नट हीप नियर बाई। ये जो ज्योतिषी था अपना व्यापार किया करता था उस प्रकाश से, जो प्रकाश आता था ग्राउंड नट के पास, जो एक ढेर था जिसमें आग जलाई जाती थी, तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता था उस प्रकाश में अपना व्यापार किया करता था। हाफ द इंटेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। और इस स्थान का एक आकर्षण यह भी था कि यहाँ पे म्यूनिसिपल का लाइटिंग की सुविधा नहीं दी गई थी, मतलब म्यूनिसिपल ने यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा नहीं दी थी, तो यह भी इस स्थान का एक आकर्षण था। आज बेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, और जो स्थान था वह दुकानों की प्रकाश से प्रकाशमान होता था। वन आर टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प, एंड वन आर टू लाइक एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ऑन। दुकानदारों में से एक दो ने कुछ फुफकाने वाली गैस लाइट रखी थी, और कुछ एक ने जिसको हम मसाल कहते हैं, मसाल जला के रखते थे, जो खंभे पे बांध कर जलाई जाती थी। सम वेयर लीट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, कुछ थे जो साइकिल लैंप जला के रखते थे, और एक दो ऐसे भी थे जो ठीक ज्योतिषी के ही तरह थे, जिनके पास अपनी लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, वे दूसरों की लाइट से अपना कार्य करते थे। इट वॉज ए बिवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडो। यहाँ पे जो अलग अलग प्रकाश के स्रोत थे उससे जो प्रकाश की किरणें निकलती थीं उससे एक के दूसरे को काटती थीं, इसको क्रिस क्रॉस कहते हैं, और अलग अलग प्रकाश के स्रोतों के कारण जो एक वस्तु की छाया भी अलग अलग बनती थी, इससे काफ़ी घबराहट की स्थिति पैदा होती थी। बिगाड़िंग मतलब घबराना।
दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह ज्योतिषी के लिए सर्वथा उचित था, फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। और इसका साधारण सा रीजन था कि जो ज्योतिषी था उसने अपने जीवन के शुरुआत में कभी इस बात की इच्छा नहीं की थी कि वह एक ज्योतिषी बने। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ दैट ऑफ व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। और वह ज्योतिषी यह भी नहीं जानता था कि उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर। वह सितारों के बारे में उतना ही अनजाना था, उतना ही अनभिज्ञ था जितना कि उसके सीधे सरल ग्राहक। इट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरी वन। लेकिन इन सबके बावजूद भी वह जो कुछ कहता था उससे हर कोई प्रसन्न होता था और चकित होता था। दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीवुड गेस वर्क। और यह सब परिणाम था तेज अनुमान के अभ्यास का। ज्योतिषी में प्राय ऐसे ज्योतिषी जो कुछ नहीं जानते वे अपने अनुमान के आधार पर बताते हैं, और यह अनुमान लगाने का उसने अच्छा खासा अभ्यास किया था, तेजी से अनुमान लगा लेता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। और कुल मिला के यह व्यक्ति भी उतना ही ईमानदार था जितने दूसरे थे अपने परिश्रम में, मतलब यह आदमी भी खूब मेहनत करता था। एंड ही डिजर्व द वेजेज ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ डे। और दिन की समाप्ति पे वह जितना धन लेके जाता था उतना लेने का, उतना कमाई करने का वह योग्यता रखता था। डिजर्व मतलब होता है योग्यता और वेज मतलब कमाई। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसने अपने गांव को छोड़ दिया था बिना किसी पूर्व विचार के उसने अपने गांव को छोड़ दिया था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर। और अगर वह अपने गांव में रहता तो अपने पूर्वजों के कार्य को ही जारी रखता या उन्हीं के कार्य को करता, नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रिपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्टर होम। और वह कार्य क्या होते, खेत की खुदाई करना, शादी करना, फसल काटना और अपने पूर्वजों के घर में रहना। रिपनिंग मतलब होता है फसल काटना और टीलिंग मतलब होता है खुदाई करना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 miles। उसने अपने घर को छोड़ दिया बिना किसी से कुछ कहे और उसने पीछे नहीं देखा जब तक कि वह 200 मील का फासला पूरा नहीं कर लिया, मतलब अपने घर से 200 मील जाके ही रुका। टू विलेजर्स इट इज ए ग्रेट डील एज इफ एन ओशियन फ्लो बिट मी। और एक गांव वाले के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। यह दोनों स्थान थे गांव का और जहाँ पे 200 मील के बाद रुका था, एक गांव वाले के लिए एक महासागर जैसा स्थान था, मतलब बहुत बड़ा दूरी था। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टेंगल ऑफ ह्यूमन टाइज। उसको मानव के जो कष्ट होते हैं, मानवीय समस्याओं का व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी था, मानवीय समस्याओं को विवेचना करने का उसको व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी था। और मानवीय समस्याएं जो होती हैं जैसे मैरिज मतलब शादी, मनी मतलब पैसा, ट्रेंजल ऑफ ह्यूमन टाइज मतलब मानवीय संबंधों की जो उलझने होती हैं, इन सब का उसको व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी था। अच्छी तरह से वह विवेचना कर पाता था कि क्या बात है, क्यों है, क्या समस्या है वगैरह वगैरह। लॉन्ग प्रैक्टिसेस
had sharpened his perception. उसका जो अनुभव था वो काफ़ी तेज हो गया था, काफ़ी निखर गया था एक लंबे अभ्यास के कारण। वो काफ़ी समय से अभ्यास कर रहा था इस बात का, ज्योतिषी का अनुमान लगाना और भविष्य बताना, तो इसमें उसका अनुभव काफ़ी निखर गया था। विद इन 5 मिनट ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट वो लगाता था यह समझने में कि क्या कुछ गलत है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, नेवर ओपेंड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। वो एक प्रश्न पूछने का 3 पाई लेता था और अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था जब तक कि सामने वाला 10 मिनट तक ना बोल ले। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर इट डजन आंसर एंड एडवाइसेस। और 10 मिनट तक वह सामने वाले को सुन लेता था तो इससे उसको अच्छा खासा मसाला मिल जाता था दर्जनों जवाब देने के लिए, दर्जनों सलाह देने के लिए। When he told the person before him, gazing at his palm, जब वह सामने वाले व्यक्ति की हथेलियों में देखते हुए घूरते हुए कहता था, In many ways you are not getting the fullest result for your effort। कई प्रकार से तुम अपने प्रयासों का पूरा पूरा फल नहीं पा रहे हो। 9 out of 10 were disposed to agree with him। 10 में से 9 उसकी बात से सहमत हो जाते थे। और ही क्वेश्चन्ड, इज देयर एनी वीमन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नो वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू। और वह प्रश्न पूछता था कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, हो सकता है वह दूर की कोई सितार हो और उसका तुम्हारे प्रति रवैया जो है वह सही नहीं है, मतलब वह औरत तुम्हारे प्रति सही सोच नहीं रखती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वह सामने वाले के चरित्र का विवेचना करता था, चरित्र के बारे में बताता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर, और कहता था कि जो तुम्हारी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सेट्रॉन वेयर ही इज, और तुम ऐसा कष्ट क्यों नहीं झेलोगे जब शनि तुम्हारे साथ है। मतलब कहता था कि शनि की तुम्हारे साथ है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड ए रफ एक्सटेरियर। इम्पेटियस मतलब होता है नरम स्वभाव, चंचल स्वभाव। तो कहता था कि आप अंदर से तो नरम स्वभाव के हैं और बाहर से काफ़ी कठोर स्वभाव के हैं। दिस endeared him to their hearts immediately, और उसका यह कहना सामने वाले के दिल में स्थान बना लेता था। endeared मतलब होता है निकट पहुँचना, तो हृदय के निकट पहुँचना मतलब हृदय में स्थान बना लेता था। For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। हम में से बहुत लोग यह सुनना पसंद करते हैं कि हम बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बहुत नरम हैं। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, और जो मूंगफली विक्रेता था उसने अपने लैम्प को, अपने प्रकाश के स्रोत को बुझाया और घर जाने की तैयारी किया, घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट फेल्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शार्प ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। और यह इस बात का संकेत था कि ज्योतिषी भी अपना पैकिंग कर ले, अपना बंडल उठा ले, क्योंकि अब वह अंधेरे में अकेले रह गया था सिवाय एक हरे रंग की पतली सी प्रकाश की किरण के अलावा। मतलब उसके सामने एक प्रकाश की किरण हरे रंग की थी, विच स्टेड इन फ्रॉम एनी समवेयर, जो उसके सामने से कहीं से आ रही थी और उसके सामने के स्थान को टच कर रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स एंड पैरा फर्नेलिया एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड। उसने अपनी कौड़ियों को उठाया और
पेशे से जुड़े सामान, पेरिफेरनेलिया मतलब होता है पेशे से जुड़े सामान, जो उसका चार्ट और दूसरे ज्योतिषी लेख थे, सबको उठाया, पेशे से जुड़े जो दूसरे सामान थे सबको उसने उठाया। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग, और उन सबको उठाकर अपने झोले में वापस रखा। और तब तक जो हरे रंग की प्रकाश की छोटी पतली सी किरण आ रही थी वह भी बुझ गई। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसने ऊपर देखा और पाया कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है, क्योंकि प्रकाश के रास्ते में वो खड़ा हो गया, तो वह रोशनी बुझ गई सी महसूस हुई। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने एक अनुमान लगाया कि यह संभवतः एक ग्राहक है। यू लुक सो केयर ऑन, और उसने देखते ही कहा कि तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विथ मी, और वह कहता है इसके बाद कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बैठ जाओ और मुझसे कुछ बात करो, अपने बारे में बताओ। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, सामने वाला कुछ अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाता है। ग्रम्बल्ड मतलब बड़बड़ाया, वेगली मतलब अस्पष्ट रूप से। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। और ज्योतिषी ने अपने निमंत्रण को, जो उसने बैठने के लिए कहा था, फिर से दबाव देते हुए कहा कि मतलब फिर से कहा कि फिर से बैठ जाओ, जबकि उस व्यक्ति ने अपने हथेलियों को उसके नाक के सामने घुसेड़ दिया, मतलब नाक नाक के सामने करना मतलब आँख के सामने कर दिया, और उससे कहा एक चुनौती भरे स्वर में, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। उस ज्योतिषी ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसकी दूसरी हथेली को, जो हरे रंग की प्रकाश की किरण आ रही थी, उसकी तरफ थोड़ा सा ढकेलते हुए देखा। योर्स इज ए नेचर, बोलना शुरू किया पान को देखते हुए, हथेली को देखते हुए, तुम्हारा जो स्वभाव है वो स्टॉप दैट। द अदर से, जो व्यक्ति सामने खड़ा था उसने तुरंत बीच में ही बात को काटते हुए कहा, रुको, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। कुछ आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी। मेरा मित्र नाराज हो गया। मैं एक प्रश्न के केवल 3 पाई लेता हूँ और इसके बदले में आप जो पाओगे वह आपके पैसे की तुलना में अधिक ही होना चाहिए, मतलब मैं जो कुछ बताऊँगा आपको पाएंगे कि आपके पैसे की कीमत से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, ज्योति अभी ऐसा कह ही रहा था कि जो सामने वाला ग्राहक था उसने अपने हथेलियों को, अपनी भुजा को खींच लिया, आर मतलब भुजा होती है, तो उसने अपनी भुजा को, अपनी बाह को खींच लिया। टुक आउट एंड आना एंड फ्लंग इट आउट ऑफ हिम सेइंग, और उसने खींचा अपने हाथ को और एक आना निकाला और उसके सामने फेंकते हुए कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, और अगर मैं यह साबित कर दूँ कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुमको उस आने को ब्याज के साथ लौटाना होगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज। अब ज्योतिषी ने कहा कि अगर मेरे जो जवाब होंगे वो तुम्हारे लिए संतोषजनक होंगे तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे, ये ज्योतिषी का प्रश्न था। नो, आर विल यू गिव मी 8, तो ज्योतिषी ने जब पूछा 5 रुपये दोगे, तब सामने वाले ने कहा नहीं। अब ज्योतिषी बोला कि विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव इन मी ट्वाइस एज मच एज इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर, ठीक है
प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज यू यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर. उस अजनबी ग्राहक ने, अनजाने व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम गलत साबित होते हो तो मैं तुमको जितना दिया हूँ उसका दूना लूँगा. दिस पैक्ट वॉज एक्सपेक्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट. और यह जो समझौता था थोड़ी और बातचीत के बाद पारित हो गया, स्वीकृत हो गया. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. और ज्योतिषी ने एक प्रार्थना स्वर्ग की तरफ भेजा, मतलब ऊपर की तरफ चेहरा करके उसने प्रार्थना किया. और इस बीच जो सामने का अनजाना ग्राहक था अपना चिरूट जलाया, सिगरेट जैसी एक चीज़ होती है, सिगार जैसी, उसको उसने जलाया. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. ज्योतिषी ने उसके चेहरे की एक झलक पाई जब उसने दिया सलाई को जलाया था अपने चिरूट को जलाने के लिए, तो एक झलक ज्योतिषी ने उसके चेहरे को देखा. देयर वॉज ए पॉज एज कार हूटेड ऑन द रोड. जुटका ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्स एट द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ पार्क. उसके बाद फिर पॉज हो गया, सब कुछ स्थिर हो गया, क्योंकि जो जिया सलाई थी कुछ ही देर चलती है. और फिर कार का हॉर्न, कार जो हॉर्न बजाती है उसको हुटका है, कार ने हॉर्न बजाया. और जुटका ड्राइवर जो अपने घोड़े को गंदी गाली दिया, शोर मतलब गंदी गाली दिया. और बेबल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ पार्क, जो पार्क था और अर्ध रूप से अंधकार में था, उसमें लोगों की थोड़ी बकबक हो रही थी. द अदर सेट डाउन सकिंग हिज चिरूट पफिंग आउट सेट देयर डेथलेसली. और जो दूसरा व्यक्ति था बैठ गया, अपने चिरूट को खींचा पफिंग आउट और फिर बाहर निकाला, जो धुआं उसने खींचा था उसको फिर बाहर निकाला. सेट देयर ब्रेथलेसली, और वहाँ पे वह बहुत ही धृष्टतापूर्वक बैठा था. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. ज्योतिषी बहुत ही असहज महसूस किया. हियर टेक योर आना बैग, और उसने कहा कि तुम्हारे आने हैं इसे वापस ले लो. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेज, मैं ऐसी चुनौतियों को लेने का आदि नहीं हूँ. इट इज लेट फॉर मी टूडे, और ऐसे भी मुझे आज देर हो गई है. ही मेड प्री प्रिपरेशन ऑफ बंडल अप, उसने अपने बंडल की प्री प्रिपरेशन किया, मतलब बंडल बांधने की जो तैयारी होती है उसकी पूर्व तैयारी उसने किया. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, और सामने वाले ने, दूसरे व्यक्ति ने उसके कलाई को पकड़ लिया और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अभी नहीं जा सकते. यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने मुझे खींच लिया. द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉयस शुक एंड बिकेम फैंट. ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांप गया और उसकी जो आवाज़ थी लड़खड़ाने लगी और बहुत ही मध्यम पड़ गई, फैंट मतलब मध्यम पड़ जाना. लीव मी डे टू आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मुझे छोड़ो मैं कल तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा, कल दिन में तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा. The other thrust his palm in his face and said, जो दूसरा व्यक्ति था अपने हथेलियों को उसके चेहरे के सामने रखा और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है, गो ऑन, शुरू हो जाओ. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज ए वीमन, और जो ज्योतिषी था वह आगे शुरू हो गया, उसने अपनी प्रोसेसिंग शुरू किया एक सूखे गले, उस अपने सूखे गले के साथ, क्योंकि उसका गला सूख गया था चेहरा देखने के बाद. देयर इज ए वीमन, एक औरत है. स्टॉप सेड द अदर, सामने वाले ने तुरंत बीच में रोक दिया, बात को काट दिया, रुको. आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, क्या मैं अपने जो वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं इस समय जो खोज रहा हूँ उस खोज में मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, यह बताओ. एंसर दिस एंड गो, बस इसकी जो इसका जवाब दे दो और जाओ. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर क्वाइन, और अन्यथा मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगा, बल्कि जो तुमने कुछ सिक्के पाए हैं वो भी छीन लूँगा.
डिस्गॉर्ज मतलब छीनना. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशन एंड रिप्लाइड. ज्योतिषी ने कुछ मंत्रोच्चार किया, बदगुदाया. इनकेंटेशन मतलब होता है मंत्रोच्चार, मटर मतलब बड़बड़ाया और जवाब दिया. ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा. विल यू गिव मी ए रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग. तो क्या आप मुझे 1 रुपये देंगे अगर जो मैं बताऊंगा वह बिल्कुल सही होगा तो, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ. और दूसरी तरफ अगर आप ऐसा नहीं मानते हो तो मैं अपना मुंह भी नहीं खोलूँगा. एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और आप जो चाहो कर सकते हो. आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड. काफ़ी मोल भाव के बाद जो सामने वाला व्यक्ति था वह सहमत हो गया कि चलो तुमको मैं 1 रुपया दूंगा. द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट. ज्योतिषी ने कहा तुमको मृतक जान के छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? टेल मी मोर. अब जो सामने वाला व्यक्ति था उसने कहा उसे कुछ महसूस हुआ कि सामने वाला सही बोल रहा है, ज्योतिष सही है. उसने कहा हाँ आगे बताओ. ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर. ज्योतिष ने कहा कि एक चाकू तुमको घुसड़ दिया गया था, तुम्हारे पार हो गया था, मतलब तुम्हारे शरीर में चाकू घुसर दिया गया था. गुड फेलो. ही बेयर्ड हिज चेस्ट एट टू शो द स्केयर पार्ट एज. और उसने कहा कि सही सही कह रहे हो. और उसने अपने छाती को से कपड़े को हटाया, छाती को नंगा किया और उस निशान को दिखाया, कहा देखो क्या यह गलत है, सही है. एंड देन यू वेयर पोस्ट इन टू ए वेल नियर बाई इन द फील्ड. और उसके बाद तुमको पास के खेत में फेंक दिया गया. पास नहीं, एंड यू वेयर पोस्ट इन टू ए वेल नियर बाई इन द फील्ड. उसके बाद जो एक कुआं था खेत के पास, उस कुएं में तुमको फेंक दिया गया. यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया, मतलब फेंक दिया गया कि अगर जान बची भी है तो मर जाओ. आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल. अब वह व्यक्ति कह रहा है कि हाँ मैं तो मर चुका होता अगर कुएं के पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने बाई चांस कुएं में झांक कर न देखा होता तो. एक्सलेम्ड दादर, दूसरे व्यक्ति ने समझाया. ओवरवेम्ड विथ एंथुसियाज्म, और उसके स्वर में बहुत ही दिलचस्पी थी, बहुत ही उत्साह था. उत्साह से भरे हुए शब्दों में, दिलचस्पी से भरे हुए शब्दों में उसने अपनी बात कही. व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उस व्यक्ति को कब पाऊंगा. अब उसका अगला प्रश्न पूछा कि मैं उसको कब पाऊंगा जिसने मुझे चाकू मारा था. ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए पूछा. क्लिंचिंग मतलब होता है भींचना, अब फिस्ट मतलब मुट्ठी. तो मुट्ठियाँ भींचते हुए पूछा कि मैं उसे कब पाऊंगा. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड एंसर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा कि दूसरे संसार में. ही डाइड 4 मंथ एगो इन ए फार ऑफ टाउन, उसने कहा कि वो तो 4 महीने पहले ही मर गया, करीब एक कस्बे में 4 महीने पहले ही मर गया. यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे अब नहीं देख पाओगे. द अदर ग्रोंड ऑन हियरिंग इट, और जो सामने वाला व्यक्ति था यह सुन के गुर्राया. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और ज्योतिषी ने आगे कहना जारी रखा. गुरु नायक यू नो माई नेम, द अदर सेड टेकन बैक. अब ज्योतिषी ने कहा गुरु नायक, अब जो सामने वाला व्यक्ति था उसका नाम गुरु नायक ही था, वो भी भौचक्का रह गया. उसने कहा तुम मेरा नाम भी जानते हो. एस आई नो ऑल अदर थिंग, जैसा कि मैं सभी दूसरी बातें भी जानता हूँ. गुरु नायक लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से. ज्योतिषी कहता है गुरु नायक सुनो, अभी मुझे आगे कुछ क्या कुछ कहना है सुनो. योर विलेज इज 2 डेज जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा जो गांव है इस कस्बे से 2 दिन की यात्रा पे है और इस कस्बे से उत्तरी दिशा में है. टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ो और चलते बनो. आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अगर तुम अपने घर से
दूर होते हो तो. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. उसने एक चुटकी पवित्र भस्म उठाई और सामने वाले के माथे पर मसल दिया, रगड़ दिया. नहीं, he took up a pinch of sacred ash and held it to him. ज्योतिषी ने एक चुटकी पवित्र भस्म उठाया और उसको दिया. Rub it on your forehead and go home. इसको अपने माथे पे रगड़ लो और घर जाओ. Never travel southward again and you will live to be 100. और साथ ही साथ उसने चेतावनी दिया कि दक्षिण की तरफ दोबारा यात्रा मत करना, और अगर तुम ऐसा करते हो, दक्षिण की तरफ यात्रा नहीं करते हो, तो तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे. Why should I leave home again? The other said reflectively. प्रतिक्रियात्मक रूप से सामने वाले ने, या ग्राहक ने, या उस अनजाने व्यक्ति ने प्रश्नवाचक तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बोला, प्रश्नवाचक बात कहा. मैं आखिर घर क्यों छोड़ूंगा, मतलब मैं घर नहीं छोड़ूंगा, जब मैं जान चुका हूँ घर छोड़ने पे मुझे खतरा है तो मैं घर नहीं छोड़ूंगा. आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम. आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ, मैं केवल इसलिए दूर आया था, एंड देन टू लुक फॉर हिम केवल उसको खोजने के लिए. मैं घर से बाहर आया था, घर से दूर आया था सिर्फ उसको खोजने के लिए. एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, और अगर मैं उससे मिल पाता तो उसकी लाइफ, उसकी जीवन को नष्ट कर देता, उसको मार डालता. ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुल्ली, उसने अपना सिर निराशापूर्वक तरीके से हिलाया. ही हैज एस्केप्ड माय हैंड, वह मेरे हाथों से बच गया. आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह ऐसी ही मौत मरा होगा जिसके लायक वह था. यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा हाँ. ही वॉज क्रश्ड अंडर ए लॉरी, वो एक गाड़ी के नीचे कुचल गया और मर गया. द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और जो सामने वाला व्यक्ति था, अनजाना व्यक्ति था, वह यह सुनकर काफ़ी संतुष्ट दिखा. ग्रेटिफाइड मतलब संतुष्ट. द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग्स. अब जो वह स्थान था वो सूना पड़ गया था. डिजर्टेड मतलब सूना पड़ जाना, खाली स्थान, मरुस्थल को डिजर्टेड प्लेस कहते हैं. तो वह स्थान सूना पड़ गया था. ज्योतिषी ने भी अपने सामानों को उठाया और अपने बैग में रखा. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, और जो हरे रंग की प्रकाश की किरण आ रही थी वह भी जा चुकी थी, मतलब वह प्रकाश भी बुझ चुका था. लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वह प्रकाश जा चुका था उस स्थान को बिल्कुल अंधेरे में छोड़कर, और शांति में छोड़कर, सन्नाटे में छोड़कर. द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, और वह अनजाना व्यक्ति भी अंधेरे में जा चुका था. आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ क्वाइंस, और जाने से पहले उसने एक मुट्ठी सिक्के दिए थे, मतलब एक मुट्ठी सिक्के देकर वह अनजाना व्यक्ति भी अंधेरे में कहीं जा चुका था. इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर पहुंचता है तो वह लगभग आधी रात का समय था, आधी रात वो लगभग घर पहुंचा. हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसकी जो पत्नी थी दरवाजे पे उसका इंतजार कर रही थी, और उसने जवाब मांगा, जवाब की इच्छा रखती थी कि आखिर देर क्यों हुई. ही फ्लंग द क्वाइंस एट हर हैंड एट सेड काउंट देम, उसने उसके हाथों में सारे सिक्के रख दिए और कहा गिनो. वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने भी ये सब मुझे दिया है. 12.5 आना, 12.5 आना, सी सेड काउंटिंग, उसने गिनते हुए कहा कि 12.5 आने. सी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश भी थी. आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ. जैगरी का मतलब होता है गुड़, और कोकोनट मीन्स नारियल. द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डे नाउ,
और जो अपना बच्चा है वो कई दिनों से मिठाई की मांग कर रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं उसके लिए कुछ अच्छा भोज्य पदार्थ बनाऊंगी। द स्वाइन है चीटेड मी, सुअर ने मुझे धोखा दिया। ही प्रोमिस्ड मी ए रुपी, उसने मुझे एक रुपया देने का वादा किया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। ज्योतिषी ने कहा सुअर ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे एक रुपये देने के लिए कहा था और 12:30 आने ही दिए। सी लुक्ड अप एट हिम, अब उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा। यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, देखते उसके पत्नी ने कहा कि तुम कुछ चिंतित दिख रहे हो, क्या कुछ गलत है। नथिंग, अब जवाब में ज्योतिषी कहा नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द क्वायर ही टोल्ड हर, और रात्रि का जो भोजन था उसको करने के बाद वो बिस्तर पे बैठते हुए कहा, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, क्या तुम जानती हो कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, और मैं सोचा करता था, समझता था पिछले कई सालों से कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो गया है। दैट वॉज द रीजन वाई आई रन अवे फ्रॉम होम, यही वह एक कारण है जिस कारण से मैं घर से भाग आया। सेटल्ड हियर, और यहाँ पे सेटल्ड हो गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी किया। ही जलाए, वह जिंदा है। सी गैस, यू ट्राइड टू किल, अब उसकी जो पत्नी थी एक गहरी सांस ली, कुछ चकराई भी और पूछी कि क्या तुमने किसी को मारने का प्रयास किया था। यस इन आवर विलेज व्हेन आई वाज सिली यंगर, हाँ अपने गांव में जब मैं मूर्ख नौजवान था तब, सिली में मूर्ख होता है, यंगस्टर मतलब नौजवान, जब मैं मूर्ख नौजवान था तो अपने गांव में ऐसा किया था। वी ड्रैंक ग्रैम्बल एंड क्वायरल बैडली वन डे, हम लोगों ने एक बार एक दिन शराब पिया और जुआ खेला और झगड़ा भी किया बहुत बुरी तरह से। आई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इस बारे में क्या सोचना, इट्स टाइम टू स्लीप, अब तो सोने का समय हो रहा है। ही सेड यॉनिंग, उसने जमाही लेते हुए कहा, एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पिलो, और अपने आप को बिस्तर पे फैला लिया, मतलब बिस्तर पे पसर गया सोने के लिए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कुछ वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताएं।